कंपेयर करता हूँ विथ अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाता हूँ कि कुछ बेनिफिट्स जो है ना वो रेकी के पास अपने आप में। जैसे कि बेनिफिट नंबर वन की बात करें तो रेकी जो है वो आपको पता ही है कि एक यूनिवर्सल एनर्जी है, एक सार्वभौम ऊर्जा, एक यूनिवर्सल एनर्जी है, एक सार्वभौम ऊर्जा है जो हमारे क्राउन चक्र के जरिए हमारे सातों चक्रों से पास होके पांव से वो जमीन में जाती है और हाथों की हथेलियों से बाहर आती है। और ये जो लाइफ फोर्स, में इसको यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, में इसको संजीवनी शक्ति भी मैं कहूंगा, कि ये जो सार्वभौम एनर्जी है जब हम इसको पास करवाते हैं हमारे सेवन चक्रा से, तो जिस जिस जगह पर विक जोन्स है ये इतनी इंटेलिजेंट एनर्जी है कि उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका फलाना चक्र खराब है, मैंने वहां जाना है और इसके विक जोन को ठीक करना है। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम हो, हमारा इमोशन हील करना है, हमारी मेंटल प्रॉब्लम हो, हमें मेंटली हील होना है या हमें फिजिकली हील होना है, रेकी नोज एवरीथिंग यार। तो जब हम रेकी एक्टिवेट करते हैं तो रेकी जब हमारे क्राउन चक्र से जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसको पता है कि वीक जोन कहाँ है और वो ऑटोमेटिकली वहां पर हीलिंग करना शुरू कर देती है। और जबकि दूसरे अल्टरनेटिव में क्या होता है, शायद पिंच भी होता है, वहां पर तकलीफ भी आ सकती है, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं, मन की शांति है यार। मेडिटेशन करो, रेकी एक्टिवेट करो, मन भी शांत होगा और जब एनर्जी पास होगी जहां वीक जोन से वहां पर वो एनर्जी पहुंच जाएगी क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट है। मतलब किसको मैं कहूंगा कि भाई एक तो रेकी यूनिवर्सल एनर्जी है जो इंटेलिजेंट है, जो अपने हिसाब से वीक जोन को आइडेंटिफाई करती है और पर्सन को हील करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इंसान को कुछ सोचना पड़ेगा, भाई ये तो एनर्जी एक्टिवेट करी तो ऑटोमेटिकली हील होगा। हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, अभी मैं आपको जैसे ट्रीटमेंट दूंगा उसके बाद। दूसरी बात, ये बहुत सिंपल है, मतलब यहाँ पर आपको कोई बड़ी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको MBBS या MD या कोई बड़े लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए खाली करना क्या पड़ता है, आपको किसी रेकी मास्टर से दीक्षा लेनी पड़ती है, शक्तिपात करवाना पड़ता है। जैसे आप शक्तिपात करवा लोगे, दीक्षा कर लोगे, उसके बाद आप खुद को, आपके आसपास के व्यक्ति को, जानवरों को, प्लांट्स को, हर एक को आप हील कर सकते हो। इतना सिंपल है यार, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। क्योंकि ये सिंपल इसलिए है, तो मैं नंबर टू में कहूंगा कि सिंपल है क्योंकि ये सिर्फ चलता है इंटेंशन से। और मैं कहूंगा हम किसी के लिए अनकंडीशनल लव अगर हो, अनकंडीशनल लव, तो ये हो जाता है। मतलब मान लीजिए मुझे अगर आपको हील करना है तो मुझे आपके लिए अनकंडीशनल लव हो, तो बस ये दो ही चीज की जरूरत है यार। एक तो इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे आपको हील करना, और अनकंडीशनल लव। इसलिए इतना सिंपल है, मत पूछे। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि रेकी यूनिवर्सल एनर्जी इज ओनली फॉर गुड पर्पस। ये आप गुड पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। मतलब मैं नहीं कह सकता हूं कि यार अगर आप कहोगे अरे सर जी अगर रेकी अगर किसी गलत इंसान के हाथ में आ जाएगी तो ये तो सब बर्बाद कर देगा यार, उसके तो बहुत सारे इविल इंटेंशंस होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ज्यादा फिल्में दिखता नहीं हूं, बट मैंने एक फिल्म देखी थी मिस्टर इंडिया, जो गैजेट था उसके पास, अनिल कपूर सही इंसान था, अगर वो गैजेट मोगेम्बो के पास पहुंच जाता तो क्या से क्या हो जाता। तो रेकी ऐसा नहीं है, रेकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आपके पास रेकी, अगर आप चाहते हो क्योंकि अरे मैं इसका वशीकरण कर दूं, मैं इसका ये कर दूं, मैं इस पे साइकिक अटैक कर दूं, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ओनली फॉर गुड पर्पस है। इससे हम कुछ अपने बुरे इंटेंशंस को अचीव नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि रेकी जो है वो किसी कोई पर्टिकुलर धर्म से कनेक्टेड नहीं है। रेकी इज नॉट कनेक्टेड विद पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब मैं ये कहूंगा कि भाई ये बौद्धिज्म से रिलेटेड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, या हिंदुइज्म से है, नहीं, ये किसी धर्म से कनेक्टेड नहीं है। और इसी वजह से मैं कहूंगा कि भाई चाहे कोई भी बंदा कोई भी रिलीजियस का हो, जो भी बिलीफ रखता हो, बस उसका इंटेंशन अगर है, अनकंडीशनल लव है, तो फिर भाई वो रेकी का यूज कर सकता है, मेडिटेट होना चाहे तो।
और मैं और इंपॉर्टेंट चीज में बता दूं, नंबर सिक्स, देखिए रेकी में फर्स्ट लेवल पे हाथ लगाना है, स्पर्श चिकित्सा है, सेकंड लेवल पे तो हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जबकि दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या होता है कि यार मे बी वहां पर मैनिपुलेशन होता है ऑफ बॉडी यूजिंग मसाज फोर्स, ये जो हाथ लगाने वाली बात होती है ना, तो इसको हमेशा हम थोड़ा सा टेंशन में मानते हैं यार मसाज वगैरह जो चीज है थोड़ा हाथ लगाने वाला बात होता है। तो सो रेकी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बॉडी का मैनिपुलेशन किसी टाइप का होता है। सो इसी वजह से जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिनल टूल्स है उस सब में मैं और आप दोनों ये कहेंगे कि भाई क्या कहेंगे आप, रेकी जो है वो टॉप पे है, वो अपने अच्छे और टॉप क्लास मुकाम पे खड़ा है। अब ये जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया, व्हाई, बिकॉज यू शुड नो यार कि यार दूसरे भी तो यार अल्टरनेटिव, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप फिजिकली प्रॉब्लम में है इसीलिए रेकी कर रहे, नहीं, हमें मन की शांति चाहिए, हमें हमारे इमोशन को यार कंट्रोल में रखना है। जैसे आपकी प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम, हर एक की प्रॉब्लम होती है कि भाई किसी को फियर है, किसी को एंगर है, किसी का इमोशन इस किसी उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, रेकी जो है वो हाईली बेनिफिशियल, मैं कहूंगा कि वो एक बेनिफिशियल टूल बन के हमारे सामने रहता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे ये तो एक यूनिवर्सल